इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग हुए ही थे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार पहुंच गए। सियासी पंडितों की माने तो 2024 चुनाव के लिए कांग्रेस राहुल की इस यात्रा को मास्टर स्ट्रोक मान रही है। उधर कांग्रेस के ही नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो राहुल की न्याय यात्रा को पॉलिटिकल टूरिज्म बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में हमारे ऐसे सब महान समझदार नेता हैं कि एक तरफ देश का 2024 का महाभारत सज रहा है और दूसरी तरफ पूरी पार्टी पॉलिटिकल टूरिज्म कर रही है, देशाटन कर रही है। एक्चुअली हम 24 के बाद सोचेंगे कि हम 24 का चुनाव कैसे लड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम 29 की तैयारी कर रहे हैं। 24 की तैयारी करते तो ये जो हो रहा है ये नहीं होता। सर, ममता बनर्जी की बात करें, वेस्ट बंगाल में राहुल जी की यात्रा है, सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है। किसकी सीट का बंटवारा, कौन सी सीट है, कौन दे रहा कांग्रेस को सीट है? इन हालातों में कोई सीट देना देगा? सीट उसे दी जाती है जिसके पल्ले में कुछ हो। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ये सत्ता का खेल है, सियासत और सत्ता की शतरंज में वही जीतता है जिसे दाव खेलना आता है। हालांकि बयानों से बेहतर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस की यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2024 के पिच पर कांग्रेस के लिए कितनी फिट बैठती है, कांग्रेस को इससे कितना फायदा होगा, क्योंकि नीतीश के जाते ही इंडिया गठबंधन से उम्मीद तो राजनीति के जानकार छोड़ ही चुके हैं।